हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको सिंघाड़े का हलवा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक बाउल सिंघाड़े का आटा ले लिया है। ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। एक बाउल चीनी ले ली है मैंने, और ये वाटर ले लिया है। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसको कि गैस पर रख दिया है। गैस को लो कर रखा है मैंने, और इसमें मैंने एक बाउल जो सिंघाड़े का आटा लिया था उसको डाल दिया है, और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे हम। गैस को लो ही रखना है आपको, और धीरे धीरे इसको भूनना है। इसको गोल्डन ब्राउन तक होने तक भूनना है आपको। देखिए, आपको इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो टेस्ट में अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, इसलिए आपको हल्का ब्राउन ही भूनना है। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है। आप घी डालकर भी भून सकते हैं और बिना घी के भी भून सकते हैं। इसी तरह अच्छे से इसको मिला लेंगे, अच्छे से घी इसमें मिक्स हो जाए। देखिए, ये हमारा आटा भून चुका है, ब्राउन हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने देंगे। अब देखिए, कढ़ाई में मैंने इसमें एक बाउल चीनी डाल दी है। इसी में मैं 3 बाउल पानी डाल दूंगी। और इसको बॉईल होने देना है। इसमें आपको 3 बाउल पानी ले लेना है, और इसको जो आटा था वो ठंडा हो गया है, मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और अगर इस तरह से आपसे नहीं बनने में आए, तो आप नीचे रख के ठंडा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी नीचे ही मिक्स करके तब इसमें ऐड कर दें, जिससे कि आपकी गुठलियाँ ना बने इसमें। और देखिए, इसमें मैंने घी भी इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक भूनते रहेंगे। देखिए, ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा गाढ़ा हो चुका है। वो कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए, हमने एक प्लेट ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है हमने। इसको अच्छे से लगा लेंगे पूरी प्लेट में, और जो हलवा है उसको इसमें डाल देंगे, और अच्छे से पूरी प्लेट में इसको फैला देंगे। और इस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे, और ये ठंडा हो गया देखिए हमारा। और इसको हमने पीसों में कट कर लिया है इस तरह से। अभी हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।